अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं दी है याद, मैं रुबीना का लेक्चर में कंडक्ट कर रहा हूँ, राइट। ओके, ये होप सो मैडम ने पहले आप लोगों से डिस्कस कर लिया होगा, लेकिन आज हम इसको एक शॉर्ट से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मैडम ने पहले आप लोगों से डिस्कस कर लिया होगा, लाइक फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड्स एंड एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा एंड हॉस्पिटल। पहली तो चीज़ ये है कि फिजिकल और माइक्रोबियल हैजर्ड्स से क्या मतलब है। बेटा नहीं पढ़ा नहीं रहा मैं आप लोगों से, थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैडम ने मुझे ये लेक्चर असाइन किया था कि आपने बच्चों से डिस्कस करना है फॉर इंडियन पर्पसेस। अच्छा बेटा, क्या होते हैं ये फिजिकल या माइक्रोबियल हैजर्ड्स, क्या होते हैं? बताइएगा जरा। कि फिजिकल या माइक्रोबियल हैजर्ड से क्या मतलब है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स एंड आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड्स इन द एनवायरनमेंट। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि फिजिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, माइक्रोबियल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं। फिजिकल और माइक्रोबियल हैजर्ड्स, इससे क्या मतलब लेते हैं आप लोग? ओके, फिजिकल हैजर्ड्स लाइक नॉइज हो सकती है, हाई टेम्परेचर एग्जैक्टली हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, एंड व्हाट्स अबाउट एनवायरमेंटल हैजर्ड्स? If these are physicals, what are the environmental hazards? For example, well, okay, इसमें जो nurses हैं उसका क्या role हो सकता है physical hazards में और microbial hazards में? Okay, microbial hazards bacteria हो सकते हैं, viruses हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, रिकेट्स हो सकते हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एंटीजन पैथोजन हो सकते हैं, नो डाउट यू आर राइट। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि फिजिकल और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल, इफ वी डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है कि लाइक ये फिजिकल हो सकते हैं, ये माइक्रोबियल हो सकते हैं और ये एनवायरमेंटल हो सकते हैं? And what is the role of nurse? Yeah, what is the role of nursing students in controlling the microbial as well as physical hazards? क्या role हो सकता है? Suppose आप लोग duty पे जाते हैं, clinical पे जाते हैं, आपका patient के साथ exposure होता है, तो डू यू थिंक कि उस इन्वायरमेंट के अंदर या उस वार्ड के अंदर कोई माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हों, इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज़ें कर रही हों? से क्लास ओके, माइक्रोबियल लाइक बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह वगैरह नो डाउट, ठीक है। तो डू यू थिंक माइक्रो ये बैक्टीरिया वायरसेस पेशेंट के बेड के ऊपर होती हैं, ये जब आप पेशेंट को टच करते हैं तो डू यू थिंक कि उससे आप इन्फेक्टेड हो जाती हैं? ओके, तो फंडामेंटल कंसर्न ऑफ नर्सेस which extend from the bedside to the patient is preventing injuries and assisting the injured, motor vehicle crashes,
fall, on fire, burns, poisoning, inhalation, ingestion of foreign objects. Firearm use are major causes of injury and death. ये सारी चीजें डू यू थिंक एनवायरनमेंट के अंदर फॉल करती हैं? इफेक्ट ऑफ एयर वाटर सॉइल टेम्परेचर बिल्कुल वॉशन बेटा हो सकता है सही है डेफिनेटली ट्रांसफर हो सकते हैं शोर किस चीज का बेटा बेटा बैक कोई शोर हो रहा होगा लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है ओके वेल तो डू यू थिंक कि मोटर व्हीकल क्रैशेज या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स आर कॉमन ऑन द रोड पेशेंट्स तो डू यू थिंक कि पेशेंट्स बर्न के साथ आ रहे होते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के साथ आ रहे होते हैं वो लोग भी आ रहे होते हैं जिन्होंने पॉइजन इनहेल कर लिया हो या कुछ ऐसी जगह के ऊपर काम कर रहे हो लाइक एस्बेस्टोस में काम कर रहे होते हैं एस्बेस्टोसिस हो सकती है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इनहेलेशन कर लेते हैं लाइक छोटे बच्चे होते हैं खेल रहे होते हैं तो उन्होंने क्या किया वो ऑब्जेक्ट्स को इंजेस्ट कर लिया कि किसी जगह पे कोई फायर आउट हो जाता है फायर ब्रस्ट आउट हो जाता है तो उस जगह पे भी ना मोस्टली पेशेंट इंजर्ड होते हैं मल्टीपल डेथ्स होती हैं एग्जैक्टली नहीं हो रहा बेटा है वाटर कंटामिनेशन हो सकता है इंस्टेड ऑफ दैट माइक्रोब्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं वायरसेस हो सकते हैं फंगस हो सकते हैं तो मोस्टली जो बैक्टीरियाज होती हैं जो वायरसेस होती हैं ये हॉस्पिटल के अंदर को कर होती हैं ऑन द पेशेंट्स ऑन द बेड ऑफ द पेशेंट्स पेशेंट्स की जो बेड की शीट होती है उसके ऊपर डेफिनेटली होती हैं तो इसलिए आप लोगों ने एफ1 में पढ़ा होगा कि अगर पेशेंट्स को हमने टच करना है पेशेंट के पास जाना है तो पेशेंट के पास जाने से पहले हैंड वॉशिंग करनी चाहिए डोर को टच करने के बाद करनी चाहिए पेशेंट को टच करने के बाद हैंड वॉशिंग करनी चाहिए कोई भी काम करना है तो आपने प्री और पोस्ट हैंड वॉशिंग ज़रूरी होती है तो डू यू थिंक कि क्या हैंड वॉशिंग बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होती है ओके नॉइस बहुत है बेटा नॉइस अब तो कम हो गया होगा दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने एक चेन को ब्रेक करना होता है एक इन्फेक्शन की जो चेन होती है उसको ब्रेक किया जा रहा होता है बाई हैंड वॉशिंग तो नर्सेज हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स का क्या रोल हो सकता है कि कोई भी पेशेंट के पास अगर चार है सपोज तो उसको हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी होता है इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई भी पेशेंट आ जाता है आपके पास लाइक मोटर व्हीकल क्रैशेज के साथ आया है रोड साइड एक्सीडेंट के साथ आया है पॉइजनिंग इनहेलेशन के साथ आया है या फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ आया है तो डू यू थिंक के उसके ऊपर भी माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होते हैं डेफिनेटली जब रोड साइड के ऊपर वो फॉल करेगा रोड इज नॉट क्लीन वन इन्वायरमेंट से भी बैक्टीरिया वायरसेस आ रहे होते हैं उस रोड के ऊपर भी आ रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपने वो पेशेंट को माइक्रोब से फ्री करना होता है एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होती है दूसरी होती है सेफ्टी क्या पेशेंट की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है नो डाउट इट एग्जैक्टली नर्सेस शुड प्रॉपरली हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स बेटा ये F1 का लेक्चर है तो सेफ्टी क्या है सेफ केयर इज अ बेसिकली नीड फॉर ऑल द क्लाइंट डेफिनेटली अगर कोई भी पेशेंट कोई भी क्लाइंट या पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहा होता है तो ही या शी नीड्स अ बेसिक नीड्स फॉर सेफ केयर सेफ मेडिकेशन डिलीवरी एंड यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स regardless of their setting.
डेफिनेटली सेफ्टी हैज़ ए पॉजिटिव एसोसिएशन विद हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस प्रिवेंशन। अब सेफ्टी का गोल बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है तो उसके लिए आपने पहली जो चीज़ है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। सेकेंड चीज़ कि आपने उस पेशेंट्स की हेल्थ को प्रमोट करना होता है। थर्ड चीज़ आपने उस पेशेंट की इलनेस को प्रिवेंट करना होता है, राइट? ओके, द सेफ एनवायरनमेंट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स सब्सिक्वेंट अल्टरेशन इन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल एंड कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर आप उसको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे लाइक एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, हैंड वॉशिंग यूज करेंगे, रिपीटेडली हैंड वॉशिंग करेंगे, तो एट द एंड क्या होगा कि वो उस पेशेंट्स का जो लेंथ ऑफ स्टे है दैट विल बी रिड्यूस्ड। जो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी है कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, तीसरी चीज उसका जो हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ओके, नो डाउट इट इवन नर्सेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डॉक्टर्स तो ये जो पूरी एक मेडिकल की टीम है ना दे हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन। डॉक्टर्स या कोई फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है और नर्सेज उस पेशेंट्स को टाइम पे मेडिसिन डिलीवर ही नहीं कर रही तो अल्टीमेटली जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको इनहिबिट नहीं किया जा रहा होता। तो माइक्रोबियल ग्रोथ जब तक इनहिबिट नहीं होगी तो हाउ कैन यू से कि देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट और फॉर द पेशेंट। अल्टीमेटली वी आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। इसलिए हमें क्या चाहिए चाहिए होती है कि उस पेशेंट्स को सेफ डिलीवरी ऑफ मेडिकेशंस जरूरी होती है। लाइक सेफ डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल क्या आपने मेडिसिन देनी है तो उसके आपको राइट्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स के उसमें मेडिसिन की डिलीवरी की रूट का पता होना चाहिए। अगर आप रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हैं, रॉन्ग पेशेंट्स को दे रहे हैं, रॉन्ग क्लाइंट्स को दे रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस हर मेडिकेशन से हमें साइड इफेक्ट्स, जब साइड इफेक्ट्स चक्कर होना शुरू हो जाएंगे या इंस्टेड ऑफ दैट उस पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है अगर आप रॉन्ग डिलीवरी या मेडिकेशंस करेंगे। तो सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा सेफ्टी के बारे में मैं ये बता रहा था कि अगर कोई भी आपके पास मेडिकेशन प्रिस्क्राइब आती है तो आपने उनके राइट्स को फॉलो करना है। लाइक सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, पेशेंट्स आपने चेक करना है कि उसी पेशेंट्स को जा रही है, रूट क्या है, उस पर मेडिकेशन का टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप एक सेफ डिलीवरी ऑफ मेडिकेशंस करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेशेंट्स का जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है दैट विल बी मिनिमाइज, इन्फेक्शन कम होएगा, जल्दी हील आउट हो जाएगा, उस जो थेरेपी की कॉस्ट है that will be reduced, length of stay of the patient will be reduced. तो ये सारी चीज़ें आपने with the medical team in collaboration compile करनी होती हैं, right? Okay, selected safety hazards throughout the lifespan. ये वो hazards हैं जो पूरी life में आपके साथ चलते रहते हैं। आपने mostly सुना होगा क्या क्या हो सकते हैं, like developing fetus, exposure to maternal smoking, alcohol consumption, addictive drugs, x-rays and certain pesticides. अब एक अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसको क्या क्या एक्सपोजर हो सकते हैं, सेफ्टी हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी फीटस में है, हो सकता है मदर स्मोकिंग करती हो सकता है मदर अल्कोहल ड्रिंकर हो सकता है उसको सर्टेन अदर इलनेस हो तो एक्सरे के लिए जा रही होती है। जिस तरह पहले बता रहे थे कि रेडिएशन, अगेन उसके लिए डेवलपिंग फीटस के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो डेफिनेटली मेरा बेटा
nurse should have when nursing students also know about the standard protocols, standard precautions, and rights of the patients, rights of the medications, ताकि उन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा सके. ओके, दूसरी, अगर सपोज डेवलपिंग फीटस में क्या क्या असर हो सकते हैं, मदर कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, मदर स्मोक कर रहे हैं, ये ऐसे इन्वायरमेंट में के अंदर वो रह रहे हैं जहाँ पे स्मोकिंग एक्सपोजर ज़्यादा है, एस्बेस्टोसिस है, माइनिंग है, तो ये भी अगेन फीटस को के लिए हज़र्ड्स है. ये जो मदर है वो सर्टेन मेडिकेशन यूज़ कर रही है, इंस्टेड ऑफ दैट उसकी कोई मेडिकल इलनेस है लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, तो उसके लिए अगर मेडिकेशन यूज़ करनी है दैट आर सो हार्मफुल फॉर डिवेलपिंग फीटस. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट्स में फॉलिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सफोकेशन इन द क्रेब हो सकती है कि आपने उसको क्या किया, सला दिया तो वहाँ पे सफोकेशन होने के चांसेस हो रहे होते हैं, आपने उसको प्रॉन पोजिशन के अंदर लिटा दिया, जब प्रॉन पोजिशन के अंदर लिटाएंगे तो अल्टीमेटली हो सकता है उसका ब्रीथिंग पैटर्न जो नॉर्मल मेंटेन हो रहा था वो नहीं होगा. कॉर्ड होने के बाद सफोकेशन हो सकती है, चॉकिंग हो सकती है फ्रॉम एस्पिरेटेड मिल्क, ये कोई फॉरेन पार्टिकल वो इंजेस्ट कर लेता है, या घर में चाय बना रहे थे, पानी गर्म कर रहे थे फॉर सर्टन पर्पजेस, तो उसे वो बर्न हो सकता है, कोई शॉक हो सकता है, ऑटोमोबाइल क्रैश हो सकता है, सर्टेन प्रॉब्लम हो सकते हैं न्यू बॉर्न और इन्फेंट्स के लिए. और जब टॉडलर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए अगेन ट्रॉमा फ्रॉम फॉलिंग हो सकता है, रनिंग इनटू द ऑब्जेक्ट हो सकता है, एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल टॉयज हो सकता है, गेटिंग कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स डेफिनेटली, इलेक्ट्रिक शॉक, दीस आर कॉमन causes of safety hazards. पहले हमने फीटस के बारे में बात की है, उसके बाद हम जैसे ही बच्चे की बर्थ हो जाती है, न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है, इन्फेंट हो जाता है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं. जब टॉडलर्स हो जाता है तो उसके अंदर आइस्पिरेशन, बेटा कोई भी चीज़ को आइस्पिरेट कर देना, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाना, लाइक वो फीड कर रहा था तो फीडिंग के दौरान जब फीड यूज़ कर रहा था तो फीटर जो यूज़ कर रहा था वो मिल्क जो है वो लंग्स के अंदर चला गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया, तो उसके साथ उसको कफिंग होना शुरू हो जाएगी. या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर ज़्यादा चला गया है तो हो सकता है कि उससे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं कर रहे, तो उससे भी डेथ हो सकती है एस्पिरेशन की वजह से भी. और सर्टेन पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं अगर वेंटिलेटर्स के ऊपर चले जाती हैं तो एस्पिरेशनल नमोनिया होने के कॉमन चांसेस होते हैं. ओके, फीटस, न्यूबॉर्न्स एंड ओल्डर्स के बारे में हमने बात की, उसके बाद प्री स्कूलर्स, एडोलिसेंस एंड ओल्डर एडल्ट्स के बारे में. अगर प्री स्कूलर्स की बात करते हैं तो ट्रैफिक के साथ, प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट के साथ सेफ्टी हैज़र्ड्स कॉमन होती हैं, चॉकिंग, सफोकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे और एयर कैनाल बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, पॉइजनिंग, ड्रोनिंग, फायर एंड बर्न्स फ्रॉम अदर पीपल्स और एनिमल्स, दीस आर कॉमन इन द प्री स्कूलर्स. तो वेहिकुलर, ऑटोमोबाइल, बाइसाइकिल क्रशेज, रिक्रिएशनल इंजरीज, वर्म एंड सब्सटेंस अब्यूजेस आर कॉमन. सब्सटेंसेस अब्यूज मीन के वो सर्टेन ड्रग्स यूज करना शुरू कर देते हैं. एग्जैक्टली बेटा, अगर ओल्डर एडल्ट्स की बात करें तो लाइक फॉलिंग हो सकती है, बर्न्स हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल क्रैशेस हो सकती हैं, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह. ओके, टाइप ऑफ हैज़र्ड्स क्या हो सकती हैं,
हॉस्पिटलाइज बिहेवियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, थेरापेटिक प्रोसीजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, किडनी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये बायोटेररिज्म बायोटेररिज्म आप मोस्टली मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि बायोटेररिज्म क्या है, कि कोई भी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने कोई इलनेस काज करनी होती है या डेथ ऑफ द पीपल काज करनी होती है, उनको इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड आउट कर दिया जाता है, दिस कम्स अंडर बायोटेररिज्म। और ये बायोटेररिज्म इधर इन द फॉर्म ऑफ वाटर हो सकती है, वाटर के अंदर उन्होंने मिक्स कर दिया, एयर के अंदर कहीं पर भी उनको छोड़ दिया, ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर उनके ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर दी, तो दीज आर नोन एज बायोटेररिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इधर इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या वायरसेस की फॉर्म में किसी भी कम्युनिटी की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इलनेस या डेथ काज करने को बायोटेररिज्म कहा जाता है। थ्री कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन हाउ इजीली दे कैन बी स्प्रेड एंड सेवेरिटी ऑफ इलनेस और डेथ दे काज, उनके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उन्होंने स्प्रेड कैसे होना है, वाटर के अंदर स्प्रेड होना है, एयर के अंदर स्प्रेड होना है, या सर्टेन फूड आइटम्स इलनेस कितनी काज करनी है, व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ इलनेस एंड हाउ इजीली दे काज द डेथ, उनका इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो ये सारी चीजें हजार्ड्स हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। कैटेगरी एजेंट्स हैव अ हाईएस्ट रिस्क, जो एजेंट्स हैं जिनके अंदर हाईएस्ट रिस्क ऑफ बायो हजार्ड्स होती है, जिनके अंदर कैन इजीली स्प्रेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइक ए पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है, तो अल्टीमेटली अगर उसके साथ कोई बंदा क्लोज कंटेक्ट में रहेगा तो वो उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस लेवल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वाटर सैनिटेशन है, पोर सैनिटेशन है, आर चेयर्स हैविंग हायर रिस्क फैक्टर्स, पब्लिक पैनिक है, सोशल डिस्रप्शन है। कैटेगरी बी एजेंट्स हैव अ सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी लाइक आर मॉडरेटली इजी टू स्प्रेड, एंड कैटेगरी सी एजेंट्स इंक्लूड इमर्जिंग पैथोजेंस दैट कैन बी इंजीनियर्ड। अब ये जो वायरसेस होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन स्प्रेड इन द फ्यूचर बिकॉज they are inoculated, they use medium and they reproduce by themselves and they have a potential to spread. Well, potential occupational hazards kya kya ho sakte hain, for example nurses and other healthcare providers are at risk for injury in the workplace, definitely. अब कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, तो ये इज प्रोन टू इन्फेक्शन, लेकिन जो उसकी इम्यूनिटी होती है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, राइट। मुंबई सर्विस अप्रेजल क्या हो सकती है, लाइक घर के अंदर फॉलिंग हो सकती है, फायर ब्रस्ट आउट हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है, अदरवाइज फॉलिंग हो सकती है, लाइक स्टेयर से फॉल आउट होना, सर्टेन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है तो घर में इक्विपमेंट पड़े हुए हैं वो भी प्रॉपरली वो यूज़ नहीं कर सके तो उससे भी बर्न हो सकते हैं, पोटेंशियल हैज़र्ड्स इन द वर्कप्लेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक लेटेक्स एंड एलर्जी हो सकती है, ब्लड बॉर्न पैथोजन हो सकती है, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हीमोट्रोपिक एजेंट्स हैज़र्ड्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, लेटेक्स एलर्जी क्या होती है, ब्लड बॉर्न पैथोजन क्या हो सकते हैं,
वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। ओके, लेटिक्स एलर्जी क्या हो सकती है कि कोई भी हो सकता है। वो ग्लव्स यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद उसके हैंड का ऊपर पापा का हैंड वॉश नहीं करता तो उनकी एलर्जी में स्टार्ट हो सकती है। कोई ब्लड बॉर्न पैथोजन हो सकती है, लाइक हेपेटाइटिस ए बी सी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी आर वेरी कॉमन ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। इंस्टेड ऑफ दैट वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स मीन के वो स्पेसिफिक उसको कोई मस्कुलोस्केलेटल इलनेस है, वो प्रॉपर काम या प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ दैट कीमोथेरेपी एजेंट्स रिजल्ट्स हो सकती हैं कि वो किसी भी एक ऐसे सेटअप में काम करता है, किसी भी ऐसे सेटअप में काम कर रहा है जहाँ पे कीमोथेरेपी एजेंट्स डिलीवर किए जा रहे हैं। जब भी ऐसा पेशेंट्स है जिसको कीमोथेरेपी एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं तो इधर मेडिकल प्रोफेशनल्स आर मिक्स करते हैं। डेवोल्यूशन हो सकती है, वायलेंस एक्सेट्री, दीज आर कॉमन पोटेंशियल हैजर्ड्स इन आवर प्लेस। And these are the references. This week of our work very well started. So there's some decisions we saw in the so you can let me ask. और बाकी जो मेरा रूबीन है वो आप लोगों से ये लेक्चर अटेंड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सेफ्टी थ्रू लाइफ स्पेन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये सारी चीजें। बाकी जो अटेंडेंस है वो कहीं मैडम रुकी है, व्हाट्सएप तो पे उसमें भेज दीजिएगा। हम लोगों ने क्लास अटेंड की है तो काइंडली 250 रुपए में अपना पब्लिक क्लास भेज देंगे, सी आर एच सी आर है। ठीक है, तो बाकी ये एक दफा देख लें।
बेटा मेरे पास अभी फॉर्म नहीं पड़ा, वरना मैं अटेंडेंस ले लेता। आपके अटेंडेंस शीट जो है वो काइंडली मैडम रुबीना को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो लोग अटेंडेंस जो लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, लाइक एक फॉर्म एक पेज के ऊपर लिख के नाम उसकी पिक बना के मैडम रुबीना को व्हाट्सएप कर देनी है आप लोगों ने, ताकि और स्टूडेंट अटेंड कर लेंगे। और इसके लेक्चर के अंदर कोई भी क्वारी है तो ये मैडम अगेन आप लोगों से डिस्कस कर लेंगी, ठीक है। और बाकी अगर किसी चीज़ को समझ नहीं आई तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैडम रुबीन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। Thank you.